जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल माफिया प्रदीप सिंह की मलहीपुर गांव में स्थित 3 मकान, 3 गाड़ी और 3 गांव की कृषि योग्य भूमि को मंगलवार को जब्त कर लिया गया। डीएम न्यायालय के आदेश पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सरकारी ताला लगाया और सभी संपत्ति को सरकारी नाम कर दिया गया। मलहीपुर गांव निवासी माफिया प्रदीप सिंह पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गैंगस्टर के तहत ही सरकारी आदेश पर माफियाओं की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। डीएम न्यायालय के आदेश मिलने के बाद बीते दिनों प्रदीप सिंह करीब 6 करोड़ की कृषि योग्य भूमि को जब्त किया गया था। अब बची हुई संपत्ति को मंगलवार को जब्त किया गया है। तहसीलदार सहजनवा शशि भूषण पाठक की मौजूदगी में राजस्व व पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से हुई कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि प्रदीप सिंह की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत डीएम न्यायालय से 9 अप्रैल 2021 को आदेश मिला था, जिसके अनुपालन में कार्रवाई करते हुए माफिया प्रदीप सिंह का 3 मकान, 3 वाहन व ग्राम पिपरौली में 0.791 हेक्टेयर, मलहीपुर में लगभग 3.4 हेक्टेयर, देईपार में 0.309 हेक्टेयर, बनौड़ा में 0.445 हेक्टेयर जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, दोनों तरफ से बात होता भेज दीजिए, क्योंकि 154 बंद होते ना, तो लिखा तो है दोनों तरफ थाना क्षेत्र गीड़ा के हिस्ट्री शीटर प्रदीप सिंह, जो जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है, कुख्यात अपराधी है, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। उसके गैंगस्टर के तहत 14(1) के अंतर्गत इनके 3 मकान एवं 3 लग्जरी गाड़ियां सीज की गई है। इनकी कीमत लगभग 11 से 12 करोड़ हो सकता है। तो इनकी जो आदेश का जो एग्जीक्यूशन आज हुआ है, जो थाने की फोर्स और तहसीलदार एवं अन्य राजस्व विभाग के कर्मचारीगण मौके पर पहुंच के उनके 3 मकान एवं 3 लग्जरी गाड़ियों को कुर्क किया गया है। 14(1) की कार्रवाई पूर्ण किया गया है। लगातार इसी तरह से जिले में जितने भी टॉप 10 अपराधी हैं, उनके द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ गैंगस्टर लगा के उनके भी कुर्क किया जाएगा।